Is that a mini Kong? तो रिसेंटली हमें मॉन्स्टरवर्स के सबसे बड़े टाइटन की हाइट और साइज ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई थी, जिसके चलते मैं इस टाइटन शिमो को कंपैरिजन गिडोरा से किया था, जहां हमने इन दोनों टाइटन्स को उनके साइज के बेसिस पे कंपेयर किया था। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लेना। बट अब वार्नर ब्रोस वालों की माँ को सलाम करूं, ये इतने टीजर्स और सीन्स निकाल रहे हैं कि इनका आइडिया रखना पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसा ही इन्होंने एक फुल कॉन्ग और गॉडज़िला के सीन को रिलीज किया और उसके साथ साथ एक इमेज को भी रिलीज किया गया, जिसमें हमें शिमो से भी बड़ा टाइटन देखने को मिला। ये टाइटन कोई 500 फीट, 1000 फीट, 1500 फीट, 2000 फीट बड़ा नहीं, ये टाइटन एक पूरी सिटी के जितना बड़ा है। और ये टाइटन अब हमें जिंदा तो नहीं दिखाया गया है, इस टाइटन का हमें स्केलेटन दिखाया गया है। और आज के वीडियो में हम इसी टाइटन के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि आखिरकार ये टाइटन है कौन और मॉन्स्टरवर्स में इतने बड़े टाइटन्स कब से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। एंड यस, ये टाइटन गॉडज़िला अर्थ है या नहीं, ये भी क्लियर हो जाएगा आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इस इमेज का ब्रेकडाउन करते हैं। इस इमेज में हमें कॉन्ग और सूको को देखते हैं, जो कि बड़े स्केल्टन ब्रिज से होके भाग रहे हैं। और ये स्केल्टन ब्रिज दो बड़े लैंड मासेस के बीच में प्रेजेंट है। अब इतना तो क्लियर है कि ये सीन हॉलो अर्थ का है। अब यहाँ पर एक साइड से हम लावा फ्लो होते देखते हैं, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इससे पहले हमें अभी तक लावा और कहाँ दिखा था हॉलो अर्थ में, एनी गेसेस? यस, स्कार किंग के एम्पायर में। सो ये जो सीन है यहाँ पे, या तो कॉन्ग और शिमो स्कार किंग के एम्पायर की तरफ जा रहे हैं या फिर वहाँ से भाग रहे हैं। सो इतना तो अभी तक क्लियर हो गया होगा। बट अब क्वेश्चन आता है कि आखिरकार इतना बड़ा स्केल्टन है किस टाइटन का? अब क्या गॉडज़िला का है? नहीं, क्यों? क्योंकि गॉडज़िला और कॉन्ग के साइज में 50 फीट का फर्क है, और जब कॉन्ग यहाँ पे इतू सा लग रहा है तो गॉडज़िला भी ब्रिज पे स्केल्टन के ऊपर इतना ही बड़ा दिखेगा। अब यस, मे बी ये कोई एंशंट गॉडज़िला का स्केल्टन भी हो सकता है, पर इसकी पॉसिबिलिटी भी जीरो की बराबर है। अब आप बोलोगे कि क्यों? तो भाई, मेरे गॉडज़िला के स्केल्टन्स पे आपको स्पाइक्स नजर आएंगी, क्योंकि स्पाइक्स गॉडज़िला के बोनी पार्ट है। और इस स्केल्टन को देख के इतना तो क्लियर है कि ये किसी टाइटन की बैकबोन है, और गॉडज़िला के बैकबोन पे ही स्पाइक्स लगी होती है। सो इससे हमें ये समझ आता है कि ये स्केल्टन गॉडज़िला या कोई भी एंशंट जेंट गॉडज़िला का नहीं है, क्योंकि इस पे हमें स्पाइक्स नजर ही नहीं आ रहे। सो आखिरकार ये है? तो इसके पीछे मेरी दो थ्योरीज है। सबसे पहली थ्योरी यह है कि ये किसी टाइटन का स्केल्टन है ही नहीं, ये बस एक ब्रिज है जिसे कि स्कार किंग की आर्मी ने बनाया था। अब आप बोलोगे कि भाई, इस थ्योरी के पीछे कोई तो रीजन या लॉजिक होगा। तो यस, ये जैसे मैंने पहले कहा कि ये सीन स्कार किंग के एम्पायर के अराउंड का ही लोकेशन का है, तो स्कार किंग ने अपनी आर्मी से अपने एम्पायर के अराउंड डिफरेंट टाइटन्स के स्केल्टन्स को मिला के ये ब्रिजेस बनाए होंगे, क्योंकि स्कार किंग का एम्पायर एक वॉल्केनो टाइप ऑफ एरिया में लोकेटेड है, जो कि हमें लावा की वजह से पता चलता है। और सेम लावा हमें इस सीन में भी देखने को मिलता है। और स्कार किंग की आर्मी, as we all know, कोई आम आर्मी तो नहीं है, इट इज एन आर्मी ऑफ कॉन्ग्स, जिन्होंने शिमो जैसे टाइटन को बंदी बना के रखा है। सो स्कार किंग ने अपनी इसी आर्मी की मदद से इस ब्रिज को भी बनाया होगा, जो कि स्कार किंग के एम्पायर को या काइंड ऑफ महल को बाकी हॉलो अर्थ से जोड़ता है। और कॉन्ग और सुको का भी यहाँ होना इस थ्योरी को और ज्यादा प्रूव करता है, क्योंकि या तो वो स्कार किंग के एम्पायर में जा रहे हैं या फिर वहां से भाग रहे हैं। बट अब दूसरी थ्योरी भी है, जो कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग है पहली थ्योरी से, वो है कि स्केल्टन एक एंशंट फाउंडिंग टाइटन में से किसी टाइटन का स्केल्टन होगा। बट अब यस, कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद से गॉडज़िला अर्थ का स्केल्टन है। सबसे पहले, अगर किसी ने ये बात की होगी तो ये जान लेना कि उसे गॉडज़िला अर्थ के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि गॉडज़िला अर्थ के पास कोई स्केल्टन है ही नहीं, वो प्लांट स्पीशीज से बना हुआ है, वो एक स्केल्टन लेस बींग है। दूसरा, गॉडज़िला अर्थ इतना बड़ा है ही नहीं कि उसका कंपैरिजन इतने बड़े स्केल्टन से किया जाए। गॉडज़िला अर्थ इस स्केल्टन के मुकाबले में कुछ ऐसा दिखेगा। सो जिस टाइटन का स्केल्टन होगा वो एक फाउंडिंग टाइटन होगा, जैसे कि शिमो है। अब फाउंडिंग टाइटन से मेरा मतलब एरन येगर नहीं, यहाँ पे मॉन्स्टरवर्स में जो टाइटन सबसे पहले एग्जिस्ट करते थे मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, उन्हें फाउंडिंग टाइटन्स कहा जाता है, जिसके पास हमारी एक सिंपल सी और प्राइम एग्जांपल है शिमो। वैसे ही ये टाइटन भी फाउंडिंग टाइटन में से कोई होगा, जिसकी डेथ के बाद अब उसका स्केल्टन हमें ऐसा दिखाया जा रहा है। अब ऐसे फाउंडिंग टाइटन किस टाइटन का होगा, इसका एक आइडिया आई थिंक मुझे मिल गया है। तो जैसे मैंने कहा कि स्केल्टन गॉडज़िला के किसी एंसेस्टर का नहीं है, बट जब मैंने गोरिल्ला या एप स्पीशीज के स्केल्टन को गूगल पे सर्च किया
या मोस्टली उनके स्पाइक्स को, तो एप स्पीशीज की स्पाइन एग्जैक्टली ऐसे ही दिखती है जैसे हमें इस सीन में दिखाया गया है। और ये आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी इनका कंपैरिजन कर सकते हो। सो ये स्केलेटन एक एंशंट एप को बिलोंग करता है, जिससे ही कि स्कार किंग और कॉन्ग जैसे एप स्पीशीज फिर आगे चल के जन्म लिए होंगे। और इस स्केलेटन का एक ऐसा जगह होना जहाँ पे एप्स यानी स्कार किंग और उसकी आर्मी एग्जिस्ट करती है, इस थ्योरी को और बैकअप करती है कि स्केलेटन एक एंशंट जायजेंटिक एप का ही होगा। बट स्टिल इट्स ए थ्योरी और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमें मूवी में ही देखने को मिलेगी। अब अगर बात करें स्टैटन के साइज के बारे में, तो उसका एक्चुअल साइज बताना तो इम्पॉसिबल है, बट एक एस्टिमेटेड रफ गेस जो हम स्टैटन के स्पाइन को देख के लगा सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये टाइटन अराउंड 15,000 से 20,000 फीट लंबा होगा, विच इज इनसेन, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग इसके फिंगर के जितने भी बड़े नहीं होंगे। शिमो जैसा बड़ा टाइटन इसके पिंकी फिंगर से भी छोटा है, जो कि सोचने में इम्पॉसिबल लगता है। पर गॉडजिला अर्थ, जो कि गॉडजिला का ऑन स्क्रीन सबसे बिगेस्ट वर्जन है, इसके बिग टो के जितना बड़ा होगा। वैसे इन दो थ्योरीज में मुझे पहली थ्योरी ज्यादा सही लग रही है, क्योंकि जो रफ एस्टिमेट्स हम इस टाइटन के साइज के बारे में लगा रहे हैं उनका फिजिकली एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आई थिंक फर्स्ट थ्योरी मेक्स मोर सेंस। आपको क्या लगता है, कौन सी थ्योरी में ज्यादा दम है, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अब बात करें दूसरे सीन्स की जो कि रिलीज किए गए हैं, तो सबसे पहले हमें कॉन्ग का एक 40 सेकंड वाला फुल सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग स्कार किंग को शिमो से मार खा के आया है, और उसके साथ में सूको भी है जो कि उसे चला रहा है और कॉन्ग को खड़ा रहने के लिए सपोर्ट भी दे रहा है। और जब जिया और बाकी ह्यूमंस कॉन्ग की ऐसी हालत देखते हैं, तो उन्हें समझ आ जाता है कि एक ऐसा थ्रेट एग्जिस्ट करता है जिसे कॉन्ग अकेला तो नहीं निपट सकता। और यहाँ पे हमें सूको को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे पहली बार ह्यूमंस को देखता है, और ह्यूमंस को देख के वो डर जाता है और कॉन्ग के पीछे छुप जाता है। बट फिर जिया कॉन्ग से कम्युनिकेट करती है और उन्हें समझ आता है कि कॉन्ग को गॉडजिला की मदद लेनी होगी इस थ्रेट को रोकने के लिए। और कॉन्ग एक पोर्टल में जंप करके हमें इजिप्ट में बाहर निकलता दिखता है, जहां गॉडजिला भी आ जाता है। और कॉन्ग गॉडजिला को दूर से ही इशारे करने लगता है और उसी पोर्टल की तरफ इशारा करके दिखाता है, पर गॉडजिला जो कि अभी भी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 की फाइट को नहीं बुला पाया था, कॉन्ग को देख के ही उस पे अटैक कर देता है और उसे पिरामिड के थ्रू दे मारता है। और बेचारा कॉन्ग जो कि ऑलरेडी इंजर्ड है, गॉडजिला के साथ लड़ना नहीं था और अपने हाथ ऊपर कर देता है। अब इसके बगैर भी हमें कुछ और सीन्स दिखाए गए हैं, जिन्हें आई गेस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे शिमो वर्सेस गिडोरा पे बनी वीडियो को लेफ्ट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो, या फिर मोनस्टरवर्स के अभी तक के टॉप 10 बिगेस्ट टाइटन्स है कौन के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।